बिहार का एमसीक्यू का सीरीज जो स्पेशली बीपीएससी के लिए टारगेट क्लिक करके बनाया गया है और बिहार के में होने वाले सभी एग्जामों के लिए लाभपूर्ण है ये। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है कि बिहार भारत के किस भाग में स्थित है। दोस्तों बिहार भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। बिहार भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। अब बात कर लेते हैं बिहार की स्थिति के संबंध में अक्षांश देशांतरों का कौन सा जोड़ा सही है। तो दोस्तों हमें पता है 28 डिग्री 20 मिनट से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा बिहार स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर दो, भारत की स्थिति 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश से 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। याद रखने का बेस्ट तरीका ये है दोस्तों कि आप याद रखिए 24 टू 27 और 83 टू 88। बात करते हैं तीसरी कि बिहार की उत्तर से दक्षिण की कितनी लंबाई है। बिहार की उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है। दोस्तों उत्तर से दक्षिण की लंबाई 362 किलोमीटर है, बट यहाँ पे 345 दिया है तो हम 345 किलोमीटर भी मार्क करेंगे। अब बात करते हैं कि बिहार की पूर्व से पश्चिम की कितनी चौड़ाई है। दोस्तों बिहार की पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो है आपका 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फाइव, बिहार का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों सबको पता है 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है। दोस्तों वो है 5.28%। वो है 5.28%। अब बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। हमें पता है बिहार में भारत में बिहार का बारहवां स्थान है। अब बात आती है कि गंगा के मैदान से रिलेटेड। तो गंगा का जो उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल से पर विस्तृत है। दोस्तों ये लगभग आपका 57,000 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे आपका आएगा लगभग की बात मैंने की 57,000 यानी 56,980 किलोमीटर। 56,980 किलोमीटर। अब बात करते हैं गंगा के उत्तरी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। दोस्तों गंगा के उत्तरी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है। दोस्तों सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं दियरा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है। तो दोस्तों दियरा भूमि के बारे में जो वाक्य सत्य है वो है बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति जो बन जाती है उसे ही हम बोलते हैं दियरा की भूमि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पट्स किस भाग की असलाकृति को कहते हैं। पट्स किस प्रकार की असलाकृति को कहते हैं। दोस्तों सपाट और चोटी के जो पठार होते हैं उसे पट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदियां प्रवाहित नहीं होती है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है। दोस्तों बागमती नदी जो है वो गंगा के दक्षिणी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है। अगली बात कर लेते हैं, बिहार राज्य के पश्चिम उत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, उस चोटी को क्या कहते हैं। उस चोटी के श्रेणी को क्या करते हैं, उसे बोलते हैं सोमेश्वर की पहाड़ी। अब बात आती है अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम, बिहार की सीमा किस देश की सीमा को स्पर्श करती है। दोस्तों वो स्पर्श करती है नेपाल को। बिहार की सीमा किस देश की सीमा को स्पर्श करती है, वो करती है नेपाल को। अगला क्वेश्चन, बिहार किस प्राचीन गौरवमयी साम्राज्य का स्थल रहा है। दोस्तों ये हम जो क्वेश्चन बात कर रहे हैं ये आपके बिहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद इसको गौर से देखिए, बिहार किस प्राचीन गौरवमयी साम्राज्य का स्थल रहा है। दोस्तों मगध का स्थल रहा है। बिहार के प्राचीन राजवंशों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे। तो दोस्तों शिशुनाग वंश भी था, हण्यक वंश भी था, वैशाली भी था, लेकिन कलिंग वंश नहीं था।
बिहार में कलिंग वंश नहीं था। अब बात करते हैं बिहार में किस महापुरुष को ज्ञान प्राप्त बिहार में किस महापुरुष को ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे उदित किया जाता है। तो दोस्तों ये उदित किया जाता है बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण बिहार को बिहार बोला जाता है। अब बात करते हैं बिहार के प्रख्यात राजवंश वो इनसे संबंधित राजाओं को प्रस्तुत है। गलत जोड़ा बताइए। गलत जोड़ा बताना है दोस्तों, गलत जोड़ा बताना है। देखिए हर्यक वंश जो है वो बिंबिसार से रिलेटेड है, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है, मगध जरासंघ से रिलेटेड है, लेकिन शिशुनाग वंश मदनपाद ये गलत जोड़ा है। अगला क्वेश्चन सम्राट अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है। सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से है, वो है मौर्य वंश से, वो है मौर्य वंश से। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था, वो थे शेरशाह सूरी, जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था, जीटी रोड जिसे बोलते हैं। बिहार राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय सत्याग्रह कौन सा था, बिहार राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, मैराथन की तरफ दौड़ लगाइए। सन 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व करने वाला किस महायोद्धा का सदैव याद किया जाता रहेगा, वो है आपके कुंवर सिंह जी, वो है आपके कुंवर सिंह जी। अब बात कर लेते हैं बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष की जन्म स्थली नहीं है। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की है, ठीक है, महाकवि विद्यापति जी की भी है, और अगर हम बात करें महावीर स्वामी की भी है, लेकिन गौतम बुद्ध की नहीं है, क्योंकि ये नेपाल में, इनका जन्म जो है नेपाल में हुआ था। बात कर लेते हैं बिहार के पृथक बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था, वो था सच्चिदानंद सिन्हा जी का सक्रिय योगदान था, वो था सक्रिय योगदान किसका था, सच्चिदानंद सिन्हा जी का था। अगले क्वेश्चन तरफ बताते हैं बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी। दोस्तों एक होता है घोषणा और एक होता है उस राज्य को विधिवत रूप से उसको बना दिया गया, तो इसकी जो घोषणा है वो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को की गई थी। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा 12 दिसंबर 1911 ईस्वी की गई थी। अब अगले क्वेश्चन आता है बिहार राज्य की स्थापना विधिवत उद्घाटन किस दिन हुआ था। तो दोस्तों विधिवत उद्घाटन 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को हुआ था, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी, बट उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में कौन सा राज्य शामिल था। दोस्तों उस टाइम कौन सा राज्य शामिल था वो आपको बताना है, और वो था आपका उड़ीसा, वो था आपका उड़ीसा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ीसा से रिलेटेड, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया था। दोस्तों 1936 ईस्वी में उड़ीसा को अलग किया गया बिहार से। बिहार की वर्तमान सीमा वह क्षेत्र और बिहार को कब प्राप्त हुआ, बिहार की वर्तमान जो सीमा है और उसका जो क्षेत्र है वो बिहार को कब प्राप्त हुआ था, वो प्राप्त हुआ था 1956 ईस्वी में, वो प्राप्त हुआ था 1956 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सन 1956 ईस्वी में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। तो वो किया गया था आपके मानभूम को पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था 1956 में, जब पूरी तरह से बिहार को अपना सीमावर्ती राज्य जो बनाया गया तब, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 1956 में राज्य का पुनर्गठन के समय बिहार में कितने जिले थे। तो दोस्तों बिहार में उस टाइम 17 जिले थे, लेकिन अब कितने हैं, अब 38 जिले हैं। तो अगला क्वेश्चन वही है कि वर्तमान में कितने जिले हैं, तो वर्तमान में है 38 जिले। बात आती है बक्सर के युद्ध की, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 ईस्वी में अंग्रेजों तथा मीर कासिम के द्वारा लड़ा गया था, ठीक है। ये जो 1764 का जो बक्सर का युद्ध है वो अंग्रेजों के द्वारा लड़ा गया था, और मीर कासिम शुजाउद्दौला अहमद शाह द्वितीय की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों से लड़ा था, लेकिन उनमें उनकी जीत नहीं हुई थी, उनमें जो जीत है वो अंग्रेजों की हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि
बिहार में किसान सभा गठन, बिहार में किसान सभा गठन का औपचारिक घोषणा कब हुई, औपचारिक घोषणा कब हुई थी? दोस्तों इसकी जो औपचारिक घोषणा है वो 4 मार्च 1928 ईस्वी को हुई थी। औपचारिक घोषणा 4 मार्च 1928 ईस्वी को हुई थी। अब बात कर लेते हैं बिहार रचनात्मक कार्यकर्ता सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में कब हुआ था, पटना के इस्लामिया हॉल में कब हुआ था, यानी बिहार रचनात्मक कार्यकर्ता सम्मेलन, तो वो जो दोस्तों आपका हुआ था वो हुआ था 16 जनवरी 1945 ईस्वी को, 16 जनवरी 1945 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए दोस्तों, मगध राज्य को साम्राज्य, मगध राज्य को साम्राज्य का गौरव प्रदान करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो दिया जाता है बिंबिसार को, वो दिया जाता है बिंबिसार को। कितने लोग चंद्रगुप्त मौर्य को मार के कहते हैं वो गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिंबिसार का पुत्र, बिंबिसार का पुत्र तथा उत्तराधिकारी अजात शत्रु के समय मगध राज्य का विस्तार हुआ, बताइए अजात शत्रु किस वंश का प्रतापी राजा थे, किस वंश के प्रतापी राजा थे? दोस्तों वो हर्यक वंश के थे, वो किस वंश के थे, हर्यक वंश के थे। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के उपरांत नंद वंश का प्रादुर्भाव, बताइए इस वंश के किस राजा को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिज्ञा चाणक्य ने की थी, तो वो थे धनानंद, वो थे नंद वंश के जो शासक था धनानंद, अंतिम शासक धनानंद। चीन देश के, सॉरी मैंने वो बोला अंतिम शासक नहीं, नंद वंश के जो शासक थे धनानंद। चीन देश के परिभाजक फाहयान भारत के किस राजा के शासनकाल में आया हुआ था, वो आया हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी बोला जाता है। भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विस्तृत वर्णन अपनी यात्रा के वृत्तांतों में किया हुआ है, ह्वेनसांग ने किस नगर का विस्तृत वर्णन अपनी यात्रा के वृत्तांतों में किया है, वो किया है आपके, वो क्या है, ह्वेनसांग ने किस नगर की विस्तृत विवरण, सॉरी वितरण बोल रहा था मैं, विवरण किया हुआ है, वो किया हुआ है आपका पटना को, जिसे उस टाइम पाटलिपुत्र बोला जाता था। ठीक है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था, वो थे मिलाए थे अकबर ने, वो मिलाया था अकबर ने। अब बिहार के प्राचीन एवं नवीन नगरों का युग्म को गलत, कौन सा युग्म गलत है, तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, जो है आपको जो कौन सा युग्म गलत है, देखिए ब्रजवान को बोधगया बोला जाता है, उदनपुरी को बिहार शरीफ बोला जाता है, पाटलिपुत्र को पटना बोला जाता है, लेकिन वैशाली को भागलपुर यहाँ लिख रहा है, अब वैशाली को भागलपुर नहीं बोला जाता, अब उस वैशाली को मुजफ्फरपुर बोला जाता है। यानी अगला क्वेश्चन है, प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं, वो पुकारते हैं मुजफ्फरपुर के नाम से, लेकिन वैशाली हाजीपुर वगैरह इस सब के चक्कर में आप मत पड़िएगा, गलत करके आ जाइएगा। बिहार के प्राचीन राजवंशों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे, कौन सा ऐसा राजवंश है जो बिहार में अपनी राज्य व्यवस्था को नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, वो नहीं बना पाया, वो था सेन वंश, वो था सेन वंश। 12वीं शताब्दी में किस वंश के राजाओं ने मिथिला पर विजय प्राप्त की, किस राजाओं ने मिथिला पर विजय प्राप्त की, तो मिथिला पर जो विजय प्राप्त की वो प्राप्त की सेन वंश ने, वो प्राप्त की सेन वंश है। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, 12वीं सदी की बात कर रहा है, और ये जो तीनों राजवंश हैं, ये वंश हैं, ये ईसा पूर्व के हैं। मगध काल के किस शासक के शासनकाल में बिहार पूरे समूचे, बिहार के समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा, वो रहा शेरशाह सूरी के समय, वो था शेरशाह सूरी के समय। अब आते आते हैं, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध था, तो वो था आपके पाटलिपुत्र थे, वो था आपका पाटलिपुत्र थे। विश्वविख्यात राजनीति विशारद और विचारक कौटिल्य मगध के किस शासक के गुरु या फिर राजनीतिक सलाहकार या फिर प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के, वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के। बिहार में स्थित भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय में आप किसे मानते हैं, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय आपका तक्षशिला है, नालंदा है, यानी बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। अब बात देखिए, प्रख्यात चीनी यात्री हेंग सेन ने भारत में
625 से 640 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? वो किया था नालंदा विश्वविद्यालय में, वो किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। अब आती है बिहार में बैनवार वंश का शासन 203 वर्ष तक रहा, दो से तीन वर्ष तक। इस वंश का संस्थापक कौन था? तो इस वंश के जो संस्थापक थे, इस वंश के जो आपके संस्थापक थे वो थे फिरोज तुगलक, वो थे आपके फिरोज तुगलक। बात आती है वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? वो थे लिच्छवी वंश से संबंधित थे। बौद्ध धर्म के ग्रंथ में किसे बौद्ध का उत्प्रेरक कहा गया है? किसे बौद्ध का उत्प्रेरक कहा गया है? वो कहा गया है आदित्य को, वो कहा गया है आदित्य को। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? वो नष्ट हुआ था बख्तियार खिलजी के हाथों, वो नष्ट हुआ था बख्तियार खिलजी के हाथों। देखिए प्रथम बौद्ध संगीतिक आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों प्रथम जो बौद्ध संगीतिक का जो आयोजन है वो सत्कर्मी गुफा राजगीर में हुआ था, और जो दूसरा आपका जो है वो वैशाली में हुआ था, ठीक है, दूसरा आपका वैशाली में हुआ था, और तीसरा आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा आपका जम्मू कश्मीर या फिर कुंडलन में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे निम्न क्वेश्चन और है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई थी? तो वो चतुर्थ थी जो बिहार में नहीं हुई थी, वो कहाँ हुई थी? कुंडल जम्मू कश्मीर में। दोस्तों इस चारों बौद्ध संगीति को एक बार ध्यान देते हैं, कौन किसके काल में और उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। देखिए प्रथम जो आपकी हुई थी वो हुई थी राजगीर में, वो हुई थी राजगीर में। दूसरा जो हुआ था आपका हुआ था वैशाली में। राजगीर वाला किसके काल में हुआ था? अजात शत्रु काल में। उसके जो हेड कौन थे? महाकश्यप। दूसरा जो था वैशाली में हुआ था किसके काल में हुआ था? काल अशोक काल में। इसके काम इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सबकर्णी। उसके बाद तीसरा हुआ था आपका पटना यानी पाटलिपुत्र में, उसके थे मोगलीपुत्र, और किसके काल में हुआ था? अशोक के काल में। चौथा हुआ था आपके कुंडल में जो जम्मू कश्मीर में, किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में, और इसके जो हेड कौन थे वो थे बसुमित्र या फिर अशोक घोष बोल सकते हैं उनको, ठीक है। तो क्वेश्चन थी कि निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो बिहार में नहीं हुई थी। बात कर लेते हैं अगली, देखिए ईसा पूर्व छठी शताब्दी में, ईसा पूर्व छठी शताब्दी विश्व का प्रथम गणनात्मक व्यवस्था कहाँ थी? गणनात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वो थी आपकी वैशाली में, वो थी आपकी वैशाली में। अब हम बात कर लेते हैं बिहार के नदियों के बारे में, बिहार के नदियों के बारे में। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें मैंने बोला था आपको सारी चीज़ें कवर करवाऊंगा, एक एक टॉपिक का जो विश्लेषण है वो करूंगा इसमें, लेकिन कम समय में रिवीजन करना है, इसलिए आपको ये वीडियो जो है आप ऐसे आप शेड्यूल वाइज कर सकते हैं, दिन में एक बार तो जरूर देखें, ताकि कम से कम इसमें जितने भी टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है वो आपको कंठस्थ हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं बिहार राज्य की सर्वाधिक महत्व की नदी कौन सी है? वो है आपकी गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो दोस्तों भोजपुर जिले में प्रवेश करती है वो, ठीक है। बिहार में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? वो करती है भोजपुर के पास से। बात आती है अगले क्वेश्चन की, बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान से गंगा में मिलने वाली नदियों में से आप किसको शामिल नहीं करेंगे? तो दोस्तों गंगा में नहीं मिलने वाली नदी है वो है सोन, जो उत्तरी मैदान से नहीं मिलती है, ठीक है। अब कुछ उद्गम स्थल हैं, देखिए बिहार में नदियों और उद्गम स्थल, देखिए कोसी कहाँ से निकलती है? दोस्तों कोसी निकलती है सप्तकोशिकी से, कोसी निकलती है सप्तकोशिकी से। गंडक निकलती है आपके मान गोटक कुतांग से यानी तिब्बत से। बागमती निकलती है आपकी महाभारत श्रेणी से, और बूढ़ी गंडक निकलती है सोमेश्वर की श्रेणियों से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, वो हो जाएगा आपका बी, वो हो जाएगा आपका बी, ठीक है। कोसी सप्त कौशिकी, ठीक है, गंडक मान गमोट कुतांग, ठीक है, उसके बाद बागमती महाभारत श्रेणी, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की श्रेणी से निकलती है। अब ये कुछ गलत जोड़ा बताना है आपको कि कौन सा गलत जोड़ा है। देखिए सरयू नदी क्या गंगा में मिलती है? जी बिल्कुल गंगा में ही मिलती है। कमला नदी कोसी नदी में मिलती है? जी बिल्कुल मिलती है। पुनपुन नदी दामोदर नदी में मिलती है? जी नहीं, ये हुगली नदी से कटता है दामोदर नदी, ठीक है। तो उत्तरी कोयली नदी सोन नदी से मिलती है? जी हाँ बिल्कुल मिलती है सोन नदी से।
तो आंसर आपका जो है वो है सी, गलत जोड़ा है ये। ककुलत जलप्रपात, ध्यान देने वाली बात है, ककुलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो दोस्तों ये नवादा जिले में है, ये है नवादा जिले में। बिहार राज्य के अनेक जलकुंड हैं, सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जलकुंड कहाँ है? वो है आपके राजगीर में, 7 हैं, ठीक है। आपको अगर सभी का सेपरेट अगर डिस्क्रिप्शन की वीडियो देखना है तो मैंने पूरे संपूर्ण बिहार का अलग अलग टॉपिक पे छोटे छोटे वीडियो बना रखे हैं, वो हमारे प्लेलिस्ट में होंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बात कर लेते हैं बिहार राज्य के गर्म जल कुंडों का जल त्वचा रोगियों के लिए लाभप्रद है, इसमें क्या पाया जाता है? क्योंकि इसमें खनिज लवण एवं गंधक मिलती है, इसलिए ये त्वचा रोगियों के लिए लाभप्रद है। बात करते हैं अगले, बिहार राज्य की कौन सी नदी सदावाहनी नहीं है? सदावाहनी का मतलब है तो जो हमेशा नहीं बहती, वो है आपके पचाने, वो है आपका पचाने नदी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बिना किसी अन्य नदी से मिले बंगाल की खाड़ी में गिरती है? वो गिरती है, वो नदी है आपकी स्वर्णरेखा नदी, वो है आपकी स्वर्णरेखा नदी। गर्म जल स्रोत में स्नान करने पर अनेक त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं, क्या मिलता है इसमें? गंधक एवं खनिज लवण। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। नेपाल में गंडक को क्या बुलाते हैं? नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से बुलाते हैं? तो वो बुलाते हैं आपके सप्त गंडकी के नाम से, नेपाल में गंडक को बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बगहा छितौनी रेल पुल, बगहा छितौनी रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है नारायणी नदी पर बनाया गया है, ये इसको छोटी गंगा भी, छोटी गंडक भी बोलते हैं। देखिए ये जो सड़क पुल है, ये कभी पूछ देता है इसमें कितने करोड़ की खर्चे हुआ था, इसमें 168 करोड़ रुपये की लागत आई थी, जो सन 1999 में रेलवे यातायात के लिए खोल दिया गया था, यानी पूरा जो इसका परिवहन है वो परिचालन है वो 1999 में शुरू कर दिया गया था, 168 करोड़ रुपये की खर्च आई थी। तो दोस्तों ये था पार्ट वन, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बिहार की जलवायु वनस्पति और मिट्टियों के बारे में, उसके बाद डिस्कस करेंगे बिहार के कृषि के बारे में, उसके बाद बिहार की सिंचाई, विद्युत परियोजनाएं, बिहार के उद्योग धंधे, सारे एमसीक्यू बेस होंगे, बिहार में परिचालन एवं संचार का साधन, बिहार में शिक्षा। तो दोस्तों यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छे से तैयारी करने के लिए इस वीडियो का 20 मिनट का ये लगभग वीडियो है, इस वीडियो को आप कम से कम एटलीस्ट एक बार जरूर देखें दिन में, ताकि जो पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और डिटेल्स में वीडियो डिटेल्स पढ़ने के लिए आप उपकार पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से बताया गया है, अगर उसमें डिटेल्स में आपको पढ़ना है तो, अगर डिटेल्स में और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में अलग अलग टॉपिक के अलग अलग वीडियो हैं, आप वहाँ से भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अगले वीडियो के लिए जो बिहार में 16 तारीख को जो एग्ज़ाम है, 16/12/2018 को बीपीएससी का, तो बीपीएससी के पर्पज़ से ही इस वीडियो को बनाया गया है, बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं वो कम से कम इस वीडियो को दिन में एक बार तो ज़रूर देखें, ताकि उनका रिवीजन भी हो जाए। इसको लास्ट मिनट फायर ब्रिगेड भी बोल सकते हैं, लास्ट मिनट फायर ब्रिगेड वीडियो है ये, जो आपको बहुत ही मदद करेगा एग्जाम में। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देंगे और बेल का आइकन जरूर दबा देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।